अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको टेक्निकल प्रो मैक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीन कहता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने फ़ोन पे वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो की जानकारी पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रो मैक्स पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हम अपने फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में दो तरह से मतलब कि वाल पेपर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, आपने इसे दबाई रखने, ये वो नहीं होते, इसे आपने दबाई रखने, ये आपके पास ये वाल पेपर का ऑप्शन शो हो, ठीक है। इस तरह आप ये वाल पेपर यहाँ से ये देखें, गैलरी से भी ले सकते हैं, और ये देखे यहाँ से वाल पेपर भी आ गया और लाइव वाल पेपर भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये वाल पेपर मेरे पास पड़े हैं, ये तो फिलहाल लगा था, जैसा कि मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। इसे अब मैं टिक करूँगा ना, ये लॉक स्क्रीन पे सिर्फ लगा सकते हैं या फोन पे लगाते हैं, होम स्क्रीन पे। फिर मैं लॉक स्क्रीन पे से लगा देता हूँ, ठीक है। लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे जैसे सिर्फ लॉक स्क्रीन पे लगेगा, अगर आपने लगाना है दोनों साइड पे तो फिर फोन पे क्लिक करें फिर लग जाएगा, मतलब कि फोन पे लग गया वाला है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया वॉलपेपर चेंज। अब जो है ना दूसरी तरह क्या है कि आपने जो है ना, अब दूसरी तरह बताता हूँ कि दूसरी तरह क्या, आपने जो है ना सेटिंग में जाना है। सबसे पहले इधर आपने ढूंढना है, डिस्प्ले में जाने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे वॉलपेपर शो हो रहा है, वॉलपेपर भी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, इन पर क्लिक किया जो वॉलपेपर चेंज वापस, मैं आपके सामने यही वापस वॉलपेपर लगा देता हूँ, ठीक है। ये होगी, ठीक है। देन हमने दबाया टिक, ठीक हो गया। या हम यहाँ पे करना है यूज़ अदर वॉलपेपर, ठीक है। हम आए इधर वापस लगाया इसे, फिर टिक किया, ये हमारा वॉलपेपर हो गया चेंज। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये देखें ये हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया। चलें इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।